नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 31 मार्च 2019, समय 10:09 हो रहे हैं, और आपके सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूं। जो मेरा सेक्शन एक्टिवेट होता है सैटरडे को, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग सैटरडे को मुझसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आज रविवार को संडे को देता हूँ वीडियो बना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए इस बार भी आप लोगों के, इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग निगेटिविटी भी फैला रहे हैं, लेकिन चलिए उसको इग्नोर करते हुए हम लोग आपके सवालों का जवाब देते हैं, और अपना व्यू मैं आपके उस सवाल पर बताने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ किसी शेयर का प्राइस मैं बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, उसका टारगेट स्टॉप लॉस, तो उस पर मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ। आपको पर्सनल कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये डिस्क्लोज़र हमेशा याद रखें, डिस्क्लेमर हमेशा याद रखें कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरे द्वारा जो भी है वो सिर्फ मैं अपना व्यू बताता हूँ उस पर, और आप उस पर ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन। इस कड़ी में जो सबसे पहला सवाल आया है वो आया सचिन कुलकर्णी साहब का। उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में पूछा है, महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं सचिन कुलकर्णी जी कि व्हाट इज़ द व्यू ऑन IDFC फर्स्ट बैंक फॉर मिड और लॉन्ग टर्म। तो चलिए जरा हम लोग IDFC फर्स्ट के चार्ट को देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे IDFC फर्स्ट का चार्ट। मैंने पिछले बार भी शायद किसी व्यक्ति को बताया था IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू है, लॉन्ग टर्म कितना रखना चाहते हैं, कितने साल रखना चाहते हैं, ये आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मान के चलते हैं तो कम से कम 5 साल है ना। बैंक बहुत अच्छे जगह पे खड़ा है, जब तक ये बैंक 50 रुपये के ऊपर खड़ा रहेगा आप इस पर बने रह सकते हैं। अगर 50 रुपये के नीचे निकलता है तो फिर ये आपको 48 का स्टॉप लॉस मांगेगा, तो 48 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल बने रह सकते हैं। इसमें टारगेट अभी निकल के हमारा आ रहा है लगभग 65 रुपीज़ का। अगला सवाल है, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। चलिए अगला सवाल कौन है, अगला सवाल ले रहे हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट ट्रेंड रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट इन लाइव मार्केट। दीपक जी पूछ रहे हैं तमिलनाडु से कि लाइव मार्केट में आप कैसे इसको आइडेंटिफाई या अंतर कर सकते हैं कि वो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या कोई भी स्टॉक सस्ट रिट्रेस कर रहा है। तो इसको हम लोग देखिए, अगर कोई भी स्टॉक, अगर 5 मिनट में सिंपल से समझाना चाहता हूँ, अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करिए, नो प्रॉब्लम उसके लिए। लेकिन अगर वो लोअर लो कंटिन्यू बना रहा है, एक अपसाइड मूवमेंट देने के बाद अगर लोअर लो कंटिन्यू बना रहा है तो वो ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है। अगर वो लोअर लो कंटिन्यू बना रहा है तो हाँ, अगर वो एक लोअर लो फिर अपने आप को सस्टेन करता है, फिर लोअर हाई क्रिएट करता है, हायर हाई क्रिएट करता है, फिर लोअर लो क्रिएट, इसका मतलब वो रिट्रेस कर रहा है वहाँ पर, एक ऐसा एजम्पशन किया जा सकता है। जैसे अगर मैंने ऐसे ही खोल दिया, लेकिन यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, अगर ये लोअर लो बनाता, ये कंटिन्यू लोअर लो बनाता तो शायद हम मान के चलते कि ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ठीक है। यहाँ से स्टॉक अपसाइड गया, इसने लोअर एक लो नीचे की तरफ आया, लेकिन लोअर लो नहीं बनाया, वापस यहाँ पर से ये अपसाइड में चला गया ना। अगर ये इसके नीचे अगर बनती कैंडल तो हम लोग मान के चलते कंटिन्यू 2 से 3 कैंडल तो ये ट्रेंड रिवर्सल है, लेकिन अगली बार इसने वापस इसको ब्रेक कर दिया, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर था। अगला सवाल है विष्णु कुंभर जी का कोल्हापुर महाराष्ट्र से, विच इज द करेक्ट टाइम वीकली बेस पे टू बाय या सेल ऑप्शन लॉट एंड हाउ मच इट विल बी होल्ड। सर मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ विष्णु साहब, आप शायद मेरे नए व्यूअर हैं, मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकता ना ही करता हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि जो चीज़ मुझे आती नहीं है, जो चीज़ मुझे आता नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है, मैं उसमें बिल्कुल अपना मानता हूँ, मानने से पीछे नहीं हटता हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं आता है, इसलिए इसके लिए सॉरी। लेकिन अगर जहाँ तक आप चाहे सोच रहे हैं कि किस तरह कौन सा राइट टाइम है खरीदने के लिए वीकली बेस पे, तो देखिए ऑप्शन का एक रूल होता है जहाँ तक मुझे पता है कि शुरू में आना है, शुरू में निकलना है, मतलब फर्स्ट में आना है, फर्स्ट में ही निकल जाना है, आप ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते ऑप्शन में,
इतना सा मुझे पता है फिलहाल, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, जब सीख लूंगा तो आप लोगों के सारे सवालों का जवाब ऑप्शन पे मैं दूंगा। मेहुल बागवेला जी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, सर आई हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अराउंड 20,000, दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड मच मोर टू इट गो हाई रिली रैली विल स्टॉप कंटिन्यू प्लीज एडवाइस। 20,000 रुपये ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे लगाना चाह रहे हैं, 20,000 रुपये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे लगाना चाह रहे हैं, तो क्या ये सही टाइम है या नहीं है, या ये रैली कहाँ पे रुक सकती है? चलिए इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को। देखिए सर अभी ये राइट टाइम, अगर ये स्टॉक ब्रेक कर देता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटिन्यू बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस लेवल पे ये खड़ा है स्टॉक, ठीक है ना, जबरदस्त रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक खड़ा है। अगर इसको ये ब्रेक करता है यहाँ पे, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार इसको क्लोज करने दीजिए 890 रुपये, 880 रुपये के ऊपर टारगेट, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1000 के टारगेट की आप रख सकते हैं। अगर ये 880, 885 के ऊपर ट्रेड करता है तो 1000 के टारगेट के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार प्ले करें, लेकिन कंडीशन वही है कि 880, 885 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करे तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए इसका टारगेट फिर 1100 का निकल के आएगा फिलहाल, क्योंकि 1100 के पास अगर ये स्टॉक निकलता है एक बार 1000, तो फिर 1100 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। अगला सवाल है बीके दास जी उड़ीसा से पूछ रहे हैं, वेंकीस के 10 शेयर 2290 पे और DHFL के 200 शेयर 148 में और अशोक लीलैंड के 500 शेयर 90 में, इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो उठा के भेज दिया है 590 रुपये पे, क्या क्या टारगेट रहेगा, क्या SL रहेगा, और RVNL का जो IPO सब्सक्राइब करना है उसके बारे में आपका व्यू चाहिए? सर RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड है, भारत में मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रेलवे के थ्रू ही होता है, तो इतना बताना मेरे लिए काफ़ी है आप लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि भारत में मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन यातायात की जो सुविधा प्रदान करती है उसका सबसे बड़ा माध्यम रेलवे है, तो बाकी अब उसके आगे आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 10 शेयर 2290 पे आपने वेंकीज के लिए, तो चलिए हम लोग वेंकीज के स्टॉक्स को देखते हैं। वेंकीज के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है सर 2415 रुपये का, 2415 के नीचे अगर ये स्टॉक जब तक रहेगा कमजोर है। हाँ एक स्टॉप लॉस आप लगाना चाहें तो 2200 का स्टॉप लॉस के साथ लगा के आप बने रह सकते हैं, क्योंकि आपने लिया है 2290 पे, तो 2200 का स्टॉप लॉस लगाइए और उस पर आप बने रह सकते हैं। अगर ये एक बार ब्रेक करता है 2415-20 को ऊपर, तो फिर आपको टारगेट बहुत तेज़ी से आपको 2600 के दिखा सकते हैं वेंकीस का। दूसरा आपने DHFL को लिया हुआ है, तो DHFL में आपने क्या किया, 200 शेयर 148 में लिया है DHFL के, तो देखिए आप अभी प्रॉफिट में है DHFL में ना, तो एक बार चाहेंगे कि आप एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें DHFL में, कुछ प्रॉफिट बुकिंग। देखिए जो पैसा आपने कमाया ना, सबसे पहले तो उसको घर ले जाना सीखिए, है ना, जब तक आप घर नहीं ले जाएंगे ना मज़ा नहीं आएगा, तो सबसे पहले घर ले जाना सीखिए। एक बार ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ले, इसके ऊपर जब स्टॉक वापस 160, 160, 162 के ऊपर क्लोज करेगा ना, फिर आप इसमें पूरी क्वांटिटी ना निकालें, 70% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर ले, आप बाकी को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस कंडीशन में आप स्टॉप लॉस 150 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन 70% क्वांटिटी का प्रॉफिट एक बार जरूर यहाँ बुक कर ले, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड स्टॉक है अभी फिलहाल DHFL। अच्छा एक और स्टॉक था आपका अशोक लीलैंड का, टारगेट पूछ रहे हैं 590 पे लिया है, चलिए अशोक लीलैंड को देख लेते हैं। टारगेट इसका अभी 105 रुपये का है, ठीक है 105 रुपये का है, लेकिन कंडीशन यही है कि अगर ये 100 को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तब, वरना नहीं। 100 को अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो अब ये तभी ये जाके आपको दिखे, ये कैंडल आप लोग छोड़ दीजिएगा लास्ट वाली कैंडल, क्योंकि ये मॉक ट्रेडिंग सेशन का कैंडल था, एंड इसी में सैटरडे को मॉक ट्रेडिंग होता है, ये उसकी कैंडल है। नीचे डेट 1 अप्रैल दिख रहा होगा ना, तो 1 अप्रैल तो अभी आया भी नहीं है, तो ट्रेड कहाँ से होगा, ये कैंडल कहाँ से बनेगी, इसलिए ये मॉक ट्रेडिंग का, उसको इग्नोर करके चलेंगे। अभी आपको पहला टारगेट इसमें 95 के मिलेंगे और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 100 का, ठीक है, पहला 95 दूसरा 100 का टारगेट होगा अशोक लीलैंड में। अनमोल जी पूछ रहे हैं, अनमोल गोयल साहब पूछ रहे हैं चंडीगढ़ से, कि सर आई वांट टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट फॉर अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में ये काम करना चाहते हैं, हाउ यू कैन हेल्प मी। सर ये मैं, आपने पूछा कि आप पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो सर ये जो मैं कर रहा हूँ ये मदद ही कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, ये जो मैं लोगों की
इन सवालों का जवाब दे रहा हूँ, शायद मुझे लगता है ये मदद ही बोला जाएगा इसको। या आप मेरे चैनल पे नए आए होंगे, न्यू सब्सक्राइबर होंगे, इसलिए अभी आपको मेरे चैनल का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार कुछ समय बिताइए चैनल पे जाके, बहुत सारी वीडियो, 1000 वीडियो है, 1000 वीडियो है। 1000 वीडियो तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके काम की चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी है, मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो आप एक बार उसे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मदद होती है। जेके टायर स्टॉक पर आपका व्यू बताइए, विपुल जी पूछ रहे हैं राजकोट गुजरात से। तो जेके टायर के स्टॉक्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली, तो इसे तबीयत सही नहीं है। तो जेके टायर पे आपने, मैं व्यू क्या बताऊं सर, ये टायर चलती चलेगी और क्या, आपने किस प्राइस पे लिया, आपको प्राइस लिखना सर। ऐसे व्यू आप पूछेंगे, कोई पूछते हैं कि एक्सिस बैंक कैसा है, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा है, मैं यही बोलता हूँ, है ना, कैसा है, अच्छा बैंक है, पैसा जमा करिए उसमें। अब ऐसे आपने पूछा व्यू बताइए, क्या व्यू बताऊँ, आपने किस प्राइस पे लिया, आप तो बताइए किस प्राइस पे आपने लिया है, तभी तो मैं उस पर अपना कोई व्यू बता सकता हूँ आपको। लेकिन अगर आप ऐसे कहेंगे तो फिर मैं सीधा कहूँगा कि भाई 90 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, फिलहाल 88 का स्टॉप लॉस आ रहा है, आप बने रहिए और टारगेट चल रहा जा सकता है 95 की तरफ। लेकिन आपने लिया कहाँ पर ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, आप जब तक प्राइस नहीं बताएंगे क्लियर कुछ भी व्यू नहीं बता पाऊंगा। एक्साइड इंडस्ट्री के 50 शेयर 222 पे, ये हुआ सही सवाल ना, 222 पे बाय किया है, आप अपना व्यू बताएं, इस तरह से पूछना चाहिए सर। 222 पर आपने लिया है सर 50 शेयर, तो हम लोग चलिए 222 पे एक्साइड इंडस्ट्रीज को देखते हैं। अगर ऑटो सेक्टर मार खाएगा सर, तो जान लीजिए ये बैटरी वाले सेक्टर भी मार खाएगा, ठीक है, ये रिलेटिव है दोनों। एक चीज आपने कितना पे लिया है, 222 पे लिया है, 222 पे एक लाइन लगा लेते पहले हम लोग, है ना, 222 के पास, यानी यानी जहां पर स्टॉक सस्टेन कर रहा आपने बिल्कुल वहीं पे इसको आपने लिया हुआ। तो सर आप कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं, कितने समय के लिए नहीं लेना चाहिए, कुछ बताना चाहिए था आपको। खैर कोई बात नहीं, आप फिलहाल इसमें 210 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें बने रहिए फिलहाल। अगर 210 को नीचे ब्रेक करता है ना, तो फिर ये आपको 205 के टारगेट दिखाएगा, ऊपर इसको जाने के लिए कम से कम 230 को ब्रेक करना होगा, फिर आपको ये टारगेट निकाल के 240 का देगा एक्साइड इंडस्ट्री। सवाल पूछ रहे हैं एच रहमान साहब कोलकाता से। सर आज एक स्टॉक क्लोज हुआ 450 पे और कल ओपन हो रहा है, 455 पे, तो ये ओपन कौन करता है? ठीक है, बहुत अच्छा बात है, स्टॉक अपने आप ओपन होता है, NSE BSE ओपन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओपन करता है, प्लीज टेल मी, ये सवाल मेरा दिमाग का दो ही कर डाला है। चलिए कोई बात नहीं रहमान साहब, इसका मतलब आपने बिल्कुल नए हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, या नए बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोनों को ध्यान में रख के सवाल होते हैं कि एक सवाल को ये कौन ओपन करता है, ये आप ओपन कराते हैं, ये हम जैसे छोटे ट्रेडर बड़े ट्रेडर सारे मिल के ओपन कराते हैं, क्योंकि हर ट्रेडर हर स्टॉक मार्केट में काम करने वाला व्यक्ति एक बायर होता है एक सेलर होता है, जिसकी जिस सामान का डिमांड ज़्यादा होगा उसका प्राइस ऊपर ओपन होगा, जिस स्टॉक का डिमांड कम होगा उसका प्राइस नीचे ओपन होगा। तो अगर 400 पे क्लोज 450 पे क्लोज हुआ है और 455 पे ओपन हो रहा है, इसका मतलब उसका डिमांड ज़्यादा है, तभी उसका प्राइस बढ़ गया। और वो प्राइस कौन बढ़ाता है, वो खरीदार लोग बढ़ाता है ना, आप सब्जी लेने जाते हैं तो कौन प्राइस बढ़ाता है, आप अगर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं आलू की और आलू का शॉर्टेज हो गया तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा ना, तो यानी कि हर एक बायर जो है उसका डिमांड बढ़ाता है और हर एक सेलर उसका डिमांड घटाता है, बेचने वाला उसका डिमांड, अगर उस वहाँ पे ज़्यादातर उसका डिमांड कम हो गया प्राइस कम ओपन होगा, डिमांड ऊपर चला जाता है डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस अपने आप ऊपर जाके खुलता है। और ये आप और हम जैसे सारे लोग जो ट्रेडर होते हैं स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में काम करे, इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, उसी लोगों के सप्लाई और डिमांड पर के वजह से ये जो है स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे ओपन होता है। विप्रो के 500 क्वांटिटी को 255 पे लिया हुआ है लॉन्ग टर्म बेसिस, व्हाट कुड बी इट्स परफॉर्मेंस इन कमिंग 3 to 4 ईयर्स। कुमुद रंजन जी पूछ रहे हैं आसाम से। सर विप्रो में बने रहिए, एक सवाल एक जवाब, ठीक है, विप्रो में एकदम बने रहिए और उसको अभी आप ना देखें, मेरे ये मेरा अपना व्यू है, लेकिन आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करें, विप्रो में बने रहिए सर, विप्रो में कोई परेशानी फिलहाल तो नहीं दिख रही है मुझे विप्रो में। हाँ देखिए, जब से ये स्पिल बोनस इशू किया है उसके बाद से ये नीचे ट्रेड कर रहा है जरूर, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाइए सर, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आप इसमें कम से कम 240 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, आप बने रहिए, टारगेट हमारा ओपन होगा इसमें 280 रुपये का, ठीक है। होल्डिंग जिंदल ड्रिल 100 शेयर प्राइस 108 करेंट प्राइस, शायद ये साल पिछली बार भी आया था योगेश जी का मेरे ख्याल से, होल्ड करें या सोल्ड,
इस स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है? जिंदल डील का ये पूछ रहे हैं। 98 पे इन्होंने बाय किया हुआ, 100 करें 100 शेयर को बाय किया हुआ 108 रुपए पे। चलिए हम लोग देखते हैं जिंदल डील को। तबीयत आज सही नहीं है मेरी, इसलिए थोड़ी सी समझने में भी परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। कितना पे लिया है सर आपने? मैं देख लूंगा आपके सर कितने पे आपने लिया हुआ है। आपने लिया है सर 100 शेयर को 108 पे लिया हुआ है। चलिए 108 पे आपने लिया, अरे जहाँ से ये गिरना था वहीं से आपने पकड़ लिया इसको, है ना। तो सर अभी स्टॉप लॉस 90 का लगाइए, अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 90 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। 90 ब्रेक करेगा तो आप निकल जाइएगा सर। दूसरा टाटा मोटर्स का टारगेट बताइए, स्टॉप लॉस नहीं पूछा आपने, सीधे टारगेट। वाह, यानी इनको मालूम है कि टाटा मोटर्स ऊपर ही जाना है। चलिए सर देखते हैं टाटा मोटर्स, जब तक टाटा मोटर्स, सर सीधा सीधी बात है, जब तक टाटा मोटर्स 185-190 को ब्रेक नहीं करेगा इसमें कोई भी मेरा व्यू नहीं बनेगा। और मैं तो इसको जब तक 200 को ब्रेक नहीं करेगा मैं तब तो कोई व्यू अपना नहीं बता सकता टाटा मोटर्स पे। तो क्योंकि फाइनली इसको 200 एक बार ये ब्रेक करे तभी हमारे पास व्यू खुलेगा, और टारगेट उस कंडीशन में 220 रुपये का आएगा। अगला सवाल क्या था आपका? धामपुर शुगर चीनी खरीदना चाह रहे हैं आप। तो सर चीनी वाले स्टॉक्स में अभी आपको क्या दिक्कत है, देख लेते हैं चीनी का स्टॉक्स। ठीक है, देखिए बिल्कुल अभी टारगेट इसका ओपन है सर 244 का, आप बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए इस कंडीशन में 220 रुपए का। हाँ चिंग मिलेम लोली साहब शिलोंग से पूछ रहे हैं कि सर आई हैव ए प्रॉब्लम विद जेरोधा ऑन स्टॉप लॉस ब्रैकेट ऑर्डर, व्हेन एवर आई प्लेस दिस टाइप ऑफ ऑर्डर सम टाइम द ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड। यानी मैं सीधा सीधे समझ गया इसका सवाल कि कभी कभी जब ये ब्रैकेट ऑर्डर में ऑर्डर लगाते हैं ना, एसएल लिमिट ऑर्डर वगैरह लगाते हैं, तो क्या होता है कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, प्राइस ऊपर चला जाता है फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, ट्रिगर नहीं हो पाता है। सर वहाँ पे आपको दो रेंज देने होते हैं प्राइस के, अगर मान लेते हैं 502 रुपये पे आप लेना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 502 रुपये लिमिट प्राइस में, और इधर ट्रिगर प्राइस में लिखना पड़ेगा आपको 502 रुपये 50 पैसे। यानी 502 रुपये से लेकर 502 रुपये 50 पैसे के बीच में कभी भी वो स्टॉक आएगा आपको मिल जाएगा। आप एग्जैक्ट 502 रुपये देंगे अगर तो वो ट्रिगर कभी कभी नहीं भी कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट प्राइस ऊपर चला जाता है। तो दो प्राइस आपको तय करने होते हैं, उतना से रेंज के एक रेंज तय करना होता है, उस रेंज के बीच में आएगा तभी वो आपको ऑर्डर मिल पाएगा एसएल ऑर्डर में। हिमांशु राय साहब कटक उड़ीसा से पूछ रहे हैं कि आई एम ए न्यू ट्रेडर, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट शेयर ट्रेडिंग ऑन योर चैनल, मैंने आपके चैनल से बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू सर टू हेल्प द न्यू ट्रेडर्स। आपको भी थैंक यू सर, यू आर द स्कूल ऑफ न्यू ट्रेडर्स। अरे यार ये नहीं, ये नहीं, मैं कोई स्कूल वगैरह नहीं हूँ, सिंपल सा आदमी हूँ। व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्रीमियम सर्विसेज, इसको गोली मारिए। ये अभी इस चीज़ की बात हम लोग नहीं करेंगे फिलहाल, अभी हम लोग सवाल वाला सेक्शन में बात कर रहे हैं। सवाल है वेयर टू पुट द स्टॉप लॉस इफ प्राइस ऑफ द शेयर 400, 600, 900, 1400 एक्सेट्रा, हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस, वेयर टू पुट। कह रहे हैं अगर कोई स्टॉक 400, 600, 900, 1400 पे खड़ा है तो उसका स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो हिमांशु साहब मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा जवाब दे दूँ कि कोई भी स्टॉप लॉस ना आप बिना चार्ट देखे डिसाइड नहीं कर सकते। आपको चार्ट देखना आता है या नहीं आता है मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारा स्टॉप लॉस हमेशा मेरा चार्ट डिसाइड करता है। तो जब तक आप चार्ट रीडिंग नहीं करेंगे आप सही स्टॉप लॉस का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है कोई पॉइंट नहीं होता है, कोई प्राइस नहीं होता है, वो एक जगह का खास तरह का एक क्या कह सकते हैं उसको, एक एरिया होता है, ये समझ लीजिए एक खास पॉइंट होता है, उस जगह पे उसको रोकना पड़ता है, चार्ट बताता है कि कहाँ पे रोकना है, ठीक है। तो वो हमारा चार्ट डिसाइड करता है। आपको अगर चार्ट रीडिंग आती होगी या आप नहीं आती तो पहले सीखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आपको इस सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। सवाल इज दिस इज ए राइट टाइम टू टेक पोजीशन एच यू एल एंड इन्फोसिस, सुधीर जी पूछ रहे हैं पुणे से, क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस में ये सही टाइम है पोजीशन बनाने के लिए? सर ये पोजीशन किस लिए आप बनाना चाहते हैं पहले ये आपने बताया नहीं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ ने बताया नहीं, आपको बताना चाहिए था। जब तक आप बताएंगे नहीं, देखिए ये निकलने दीजिए 1724 के 25 के ऊपर निकलने दीजिए एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर को, टारगेट फिर निकल के आएगा 1760 रुपये का।
तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। किन का सवाल था ये? राइट टाइम टू टेक क्वेश्चन इन एचयूएल एंड इन्फो, सुधीर नानक जी। तो एचयूएल को मैंने बता दिया सर, जब तक ये 1724 के ऊपर ना निकाले बिल्कुल ट्रेड इसमें नहीं करना है। और इन्फोसिस की बात हम लोग देख लेते हैं, इन्फोसिस को हम लोग देख लेते हैं। तो इन्फोसिस तो क्लियर कट दिखा रहा है, जब तक ये 760 को ब्रेक ना करे हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। 760 को ब्रेक करने दीजिए, फिर आपको 780 और 800 के टारगेट आपको दिखा सकता है इन्फोसिस। फरजान जी पूछ रहे हैं गुजरात से, फरजान मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपके लाइव वीडियोस देख के मैं ट्रेडिंग सीखा। सर पीआरबी या ओआरबी कौन सी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहेगी, फरजान जी पूछ रहे हैं। सर मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। जिसको आप कंटिन्यू यूज करेंगे सर, रिजल्ट वही आपको देगा। बार बार बदलेंगे रिजल्ट कुछ हासिल नहीं होगा। तो किसी चीज़ को यूज कीजिए, कंटिन्यू यूज कीजिए, ठीक है, तभी वो आपको रिजल्ट दे सकता है। चाहे पीआरबी यूज कीजिए, चाहे ओआरबी यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप किस पे कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, किसी एक चीज पे प्रैक्टिस कीजिए ना, बार बार चेंज मत कीजिए ना, किसी एक चीज पे प्रैक्टिस कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। अगर पीआरबी करेंगे तो पीआरबी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ओआरबी पे करेंगे तो ओआरबी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप फिर आप उस पर मास्टर हो सकते हैं फिर कंटिन्यू करने से। सुरेश जी पूछ रहे हैं बेंगलोर से, सर आई बाउट 100 शेयर्स इन विप्रो, 271, नाउ इट्स गोइंग डाउन, व्हाट कैन आई डू, कैन आई होल्ड? सर होल्ड करें, 271 है पे आपने लिया है, बिल्कुल होल्ड करें सर विप्रो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है विप्रो में, थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। 1050 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसा नहीं है। आपने 271 बिल्कुल इसके हाई प्राइस, यानी जहाँ पर ये गिरना था आपने वहीं से बाय किया है, कोई बात नहीं। फिलहाल ये स्टॉक 271 के लेवल आपको दिखाएगा, जो इसने गैप डाउन ओपनिंग किया है, कोई बात नहीं, उसके लिए ये आपको प्राइस जल्दी दिखा देगा। लेकिन इसके लिए दिक्कत क्या है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 260 के ऊपर इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। जब तक ये 260 के ऊपर क्लोज नहीं करता है ना, तब तक आप थोड़ी परेशानी में है। लेकिन अगर 260 को एक बार ये क्लोज कर देता है, ये कैंडल छोड़ दीजिएगा, ये मॉक ट्रेडिंग का कैंडल है, नीचे डेट 1 अप्रैल देख रहे होंगे आप, है ना, तो 1 अप्रैल तो हुआ भी नहीं है, ये मॉक ट्रेडिंग है। तो 260 के ऊपर निकले तो ये ज्यादा आपको तेजी के साथ आपके लेवल दिखा सकता है। संजय जी रांची से पूछ रहा है, परचेज 700 आइडिया शेयर 34 इन दिसंबर 2018, यस्टरडे प्राइस डाउन ऑलमोस्ट 50%, नाउ आई एम इन ह्यूज लॉस, कैन आई बाय फर्दर राइट इशू फॉर? सर इशू में आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं, इशू में कहीं को ये नहीं है, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। लेकिन आपने जो 34 पे लिया है डाउन आना, तो अगर इशू जारी हो रहा है थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाएगा ही, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। पर अगर आप ना आपका व्यू क्लियर है उस पर, ज़्यादा समय के लिए उस पर आपने व्यू बना कर रखा है, तो आप इशू में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस देखिए 17 रुपये का, अभी फिलहाल इसका क्लियर दिख रहा है, आप सेफली स्टॉप लॉस 17 रुपये का लगाइए और इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर 17 रुपये की ये नीचे निकलता है तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल निकल जाइए। साकिब हुसैन साहब पूछ रहे कि सन फार्मा के 547 और वॉकआउट के 610 पे लिया हुआ है, क्या व्यू होगा? तो सर सन फार्मा पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, सन फार्मा ने मेरा टारगेट अचीव कर दिया है, ठीक है, तो उस पर मेरा व्यू क्लियर है, मेरा टारगेट आ चुका है। इसने ब्रेक कर दिया था, इसने गैप फिल भी कर दिया था, जो मैं इस गैप की बात कर रहा था इस गैप को फिल कर चुका है। अब ये सॉरी सन फार्मा था, कहाँ से ग्रासिम खुल गया, जब तक ये ब्रेक ना करे, जब तक ये ब्रेक ना करे अब ऊपर की तरफ, यानी कि 480 को, हमारा इसमें कोई भी व्यू नहीं बनेगा। 480 को एक बार क्लोजिंग करता है तो फिर टारगेट हमारा 500 का आएगा, 510 का आएगा। और आपने 470 पे लिया हुआ है, तो अभी फिलहाल आप 460 455 का स्टॉप लॉस लगाइए और उस पर आप बने रह सकते हैं सन फार्मा में। आप 447 पे आपने लिया तो ऑलरेडी तो आप अभी प्रॉफिट में ही है, इसकी जो क्लोजिंग हुई है 478 पर क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, तो आप अभी फिलहाल प्रॉफिट में। दूसरा आपने वोकड के शेयर लिए हुए हैं, वोकड फार्मा के शेयर, तो वोकड को हम लोग देख लेते हैं। चलिए वोकड का शेयर हम लोग देख रहे हैं, तो वोकड में आपने क्या किया है, कितने प्राइस पे लिया है, 610 पे लिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो वोकड में आप फिलहाल लॉस में हैं, लेकिन एक टेंशन वाली बात इसमें खास नहीं है। अगर ये स्टॉक एक बार 450 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देना, तो आपको ये तेजी से फिर मूवमेंट दिखाएगा, फिर आपको लेवल ये 476 के भी दिखा सकता है। लेकिन अभी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्ट्रेटली स्टॉप लॉस के साथ 420 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, बने 420 को अगर ये ब्रेक करे तो फिर आप भाग जाइएगा सीधे 380 के लेवल, फिर आपको ये दिखाएगा। हाउ यू नो स्टॉक रिवर्स अप एंड रिवर्स डाउन इन एग्जैक्टली टाइम, मनीलाल साहब कोलकाता से पूछ रहे कि आप कैसे सही टाइम पे जानते हैं रिवर्स अप एंड रिवर्स डाउन? सर सही टाइम पे मैं भी नहीं जानता हूँ,
ठीक है, कि क्या वो ये रिवर्स लेगा कब नहीं। हाँ, ये प्रैक्टिस करते करते कंटिन्यू सारी चीज़ें आ जाती है। हर बार सही नहीं होता हूँ, पर कोशिश करता हूँ 10 में से 7 बार मैं सही रहूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है मनी साहब। मेरे पास एबीबी इंडिया के 1320 NMM के 710 शेयर है, 1 से 2 साल का व्यू बताएं। राकेश जी बेंगलोर से पूछ रहे हैं कि एबीबी इंडिया के 1320 रुपये पे इनका स्टॉक्स है लिया हुआ है। चलिए एबीबी को देख लेते हैं। सर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इस कंडीशन में? सर आपको स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। स्टॉप लॉस 1300 रुपये का लगाइए, ठीक है, 1300 का स्टॉप लॉस लगाइए। मैं कहूँगा 1290 का लगाइए और बने। अगर ये उसके नीचे निकलता है तो सर आप निकल जाइएगा। उसको ऊपर जाने के लिए बहुत हेवी रेजिस्टेंस है 1350 रुपये का। जब तक उसको वो ब्रेक नहीं करता है, हमारे लिए इसमें कोई भी पॉजिटिव व्यू नहीं बनने वाला है एबीबी में। दूसरा एमएनएम के 710 है, तो कोई बात नहीं सर, एमएनएम में है तो आप फिलहाल एमएनएम में बने रहिए। ऑटो सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन नो प्रॉब्लम। 710 पे आपने लिया हुआ है, 710 बिल्कुल आपने कहा यहाँ पे एकदम सेम हाई प्राइस पे लिया है, तो फिलहाल स्टॉप लॉस लगाइए 660 रुपये का और बने रहिए एमएनएम। हाउ डू यू सी वेबको शेयर, व्हाट प्राइस टू बाय एंड व्हाट इज द टारगेट एंड रिटर्न? जैन जी दिल्ली। जैन साहब से पहले पहले तो मैं आपको वेबको के बारे में बता दूं, आपने ये स्टॉक एक्चुअली टीवी पे देख के लिया है ना। एक मिनट दोस्तों, फिर एक कॉल है। तो जैन जी, आपने ये वेबको शेयर टीवी पे देख के लिया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है फ्राइडे की बात करूँ तो मेरा ट्रेडिंग खत्म करने के बाद मैंने इसके बारे में चर्चा सुना था टीवी पे। कुछ लोग टीवी पे बहुत हल्ला कर रहे थे, बड़े बड़े लोग, तभी मैंने भी इसका नाम सुना था। तो इस पर इस स्टॉक को मैं ट्रेक नहीं करता हूँ सर, मैंने पहली बार आपको सामने ही खोलता हूँ इसका चार्ट, ठीक है, कि इसमें क्या हो सकता है। मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए ट्रैक करना शुरू कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन इसका जो ये है कम से कम अभी हमारे लिए स्टॉप लॉस, अगर आपने बाय लिया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, कम से कम 6300 का स्टॉप लॉस बनता है। और अगर टारगेट की बात करें तो 7000 का टारगेट है, 7000 को ब्रेक करेगा तो फिर 7200 का टारगेट आपको वेबको देगा। वेबको में न्यूज है सर एक्चुअली, है ना। जनमोहन जी पूछ रहे हैं भुवनेश्वर से कि वेयर फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू गेट करेक्ट रनिंग ओपन इंटरेस्ट ऑफ एफएनओ स्टॉक। करेक्ट रनिंग एफएनओ स्टॉक्स का जो ओपन इंटरेस्ट जानना है सर ना, तो इसके लिए कुछ मुझे करना नहीं है। प्लीज टेल अस स्विंग हाई एंड स्विंग लो एफएनओ स्टॉक इच फॉर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड इन अप्रैल। सर मैं हर एक एफएनओ स्टॉक के लिए कैसे आपको बता सकता हूँ? एफएनओ स्टॉक एक तो है नहीं, हर एक के लिए मैं कैसे स्विंग लो और स्विंग लो हाई बता दूँ? मतलब 250 स्टॉक से मैं 250 के लिए कंटिन्यू बैठ जाऊँ तो रात हो जाएगी, है ना। तो इस ये सवाल को मैं इग्नोर करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड वाले आपके जो रनिंग ओपन इंटरेस्ट वाली सवाल है उसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा फायर्स का ये फायर्स वन ट्रेडिंग टर्मिनल है। यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ चार्ट, ये फायर्स वन है और ये वाला जो है ये फायर्स वन है, ठीक है। फायर्स वेब है ये जहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ, और ये वाला जो है फायर्स वन है। तो इसमें एक एफ एन ओ एनालिसिस का स्क्रीनर बना हुआ है सर, ठीक है। एफ एन ओ एनालिसिस का यहाँ पे जाएंगे ना तो एक्शन इन फ्यूचर दिखेगा, ठीक है ना। एक्शन इन फ्यूचर दिखेगा, ओपन इंटरेस्ट गेनर एंड लूजर दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे में आपके जो डायरेक्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज होते हैं ना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख सकता है कि यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट किस सेक्टर में चेंज हो रहा है, किस स्टॉक में चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा सारा दिखता है। दूसरी, आप अगर फिर इस पर काम करेंगे, अगर ओपन इंटरेस्ट गेनर लूजर, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट चेंज होता हुआ दिखता है लाइव मार्केट में। ये हर 15 सेकेंड पर अपडेट होता है सर, ठीक है। इसलिए मैं तो इसको देख के ही पकड़ लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे कोई दूसरा स्क्रीनर की जरूरत नहीं पड़ती है। फायर्स वन में ये ऑप्शन है, तो अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट होगा तो आपको भी ये सुविधा मिल सकती है। फायर्स के अकाउंट के साथ ये सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है, यहाँ पे ट्रेडिंग भी होता है और बहुत सारे इसके स्क्रीनर भी हैं। मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है बहुत सारे स्क्रीनर का इसका, तो आप इस पर अकाउंट ओपन कराना चाहें तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए, आपको फायर्स की तरफ से कॉल आ जाएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, नीलेश साहब पूछ रहे हैं जामनगर गुजरात से कि 100 PFC को बाय किया 110 रुपये पे, 145 नेक्स्ट 3 मंथ में आएगा क्या? अच्छा, स्टॉप लॉस 99 रुपये का इन्होंने लगा के रखा है पी एफ सी 3 मंथ में 145 तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं। सर अभी तो थोड़ा सा चलिए देखते हैं, आपका 145 आना चाहिए कि सर 3 महीने में उम्मीद है सर,
उम्मीद है कि आ जाना चाहिए, लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा सर, कम से कम पहले क्लोजिंग कराना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लोजिंग कराना पड़ेगा इसको कम से कम 127-128 के ऊपर, तभी जाके ये आपको 140 के टारगेट और 145 के टारगेट दिखा पाएगा। हाँ सही सवाल। हाँ इसके बाद है, मैंने बॉम्बे डाइंग के 300 शेयर, ये सर पिछले बार भी आपने पूछा था जिग्नेश साहब मेरे ख्याल से, है ना, बॉम्बे, क्योंकि मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे ये सवाल 2 बार मैंने देख चुका हूँ, बॉम्बे डाइंग के शेयर 300 रुपये पे लिए, प्लीज गिवन योर व्यू। तो जिग्नेश साहब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं बॉम्बे डाइंग का शेयर। बॉम्बे डाइंग है ना, कितना पे आपने लिया है? ये तो स्प्लिट हुआ होगा ना, स्प्लिट होने के बाद ये काम किया है, तो आपने लिया कितना पे ये देखना चाहेंगे हम लोग। आपने लिया है 300 रुपये पे, तो सर 300 रुपये पे लिया है, तो आप इस स्टॉक ने तो स्प्लिट किया, आपने आपको डिमर्ज किया था ना बॉम्बे डाइंग ने सर, तभी तो ये डाउन हुआ था। अगर आपने अभी इसको ब्रेक करने दीजिए सर, ब्रेक करेगा जब तक ये 150 के ऊपर क्लोज करता है ना, 150 के ऊपर क्लोज करेगा तभी आप इसमें फिर नया पोजीशन बनाइएगा, उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप लॉस जो इस कंडीशन में बन रहा है सर, स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा कम से कम 130 रुपीज़ का, तो 130 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो बने रह सकते हैं बॉम्बे डाइंग में। अगला सवाल है सर, क्या है जय कॉर्प के 160 रुपये के भाव से आपने जय कॉर्प को भी लिया हुआ है, एक और स्टॉक है, ये पिछले बार भी आपने शायद पूछा था सर, एनईसी का स्टॉक नहीं है क्या ये जय कॉर्प? सर एनईसी का शायद स्टॉक नहीं है ये, है ना, जय को, हाँ जे आई है, मैं क्या लिखा जे वाई, इसीलिए। तो सर अभी फिलहाल आप वेट करिए इसमें, एक बार ये ब्रेक करने देते हैं हम लोग, 120 रुपये के ऊपर निकलने दीजिए स्टॉक को, फिर आपको बहुत तेजी से मूवमेंट दिखाएगा 140 रुपये के जय कॉर्प में। राकेश सर पूछ रहे हैं गोरखपुर से कि 280 पे इन्होंने विप्रो को बाय लिया हुआ है 200 शेयर, सर अब विप्रो में आप बने रहिए 250 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे जानना है कि अगर हम किसी चार्ट पर मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड दोनों इंडिकेटर को एक साथ इस्तेमाल करें तो उनका बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? मैं अभी सुपर ट्रेंड 7 दिन का इस्तेमाल कर रहा हूं और मूविंग एवरेज 9-23 इंटीग्रेटर का, अच्छा इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं, आपकी राय में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है? सर सबसे पहले मैं बता दूँ, ये बेस्ट वाला जो वर्ड होता है ना, इससे मुझे बहुत ही क्या कहते हैं एलर्जी है, बेस्ट इस दुनिया में बेस्ट कुछ नहीं है, आप किस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मुकेश सर, आपने मुकेश उपाध्याय साहब है इनका नाम, आगरा यूपी से पूछ रहे हैं, तो आपको बेस्ट खोजने के चक्कर में मत रहिए, बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट बनाना पड़ता है ना, कंटिन्यू करते हुए बनाना पड़ता है। दूसरी बात टाइम फ्रेम की बात कहा, अगर आप इंट्राडे के लिए हैं तो इंट्राडे के लिए सर 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, और 7 दिन का जो आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये बाय डिफॉल्ट है, शायद जेरोधा का आप यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें, तो सर बाय डिफॉल्ट यूज़ करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बिलीव कितना है उस इंडिकेटर पे ये बहुत बड़े बात है, अगर आपको बिलीव है तो ही आप यूज़ करें, अगर बिलीव नहीं है तो बिल्कुल यूज़ ना करें। तीसरा सवाल है इनका, 3 से 4 डे प्रॉफिट होता है, नेक्स्ट डे बड़ा लॉस हो जाता है, कोई एडवाइस है तो बताओ सर। जब 3 से 4 दिन प्रॉफिट हो जाता है ना सर, उसके बाद बड़ा लॉस हो जाता है, तो 5वां दिन ट्रेड ही नहीं करें, यही सर मेरी सलाह है ना, तो वो प्रॉफिट बची रहेगा, फिर नेक्स्ट वीक से ट्रेड करिए। आपका यही जवाब हो सकता है सर कि 3 से 4 दिन, 1 सप्ताह में 5 दिन होता है ना, 1 वीक में 5 डे होता है, 3 से 4 दिन आपने प्रॉफिट कर लिया तो 5वां दिन ट्रेड ना करें, उसको उस प्रॉफिट का एंजॉय कीजिए सर, फिर नेक्स्ट वीक से शुरू करिए, आपके पास एक्चुअली ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इस वजह से बड़ा लॉस हो जाता है। मैंने SBI के 200 शेयर 308 पे बाय किया है, इसका शॉर्ट टर्म व्यू क्या होना चाहिए? कौशिक मंडल साहब वेस्ट बंगाल फरक्का से पूछ रहे हैं, SBI के 200 शेयर। बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों के दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, और जो निगेटिव पीटी फैला रहे हैं उसके लिए मैंने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया है, तो उन लोगों में छटपटाहट आ गई, उस छटपटाहट को देखते हुए कुछ लोग मुझे कॉल करके बड़ा ही अनर्गल सब बातें बोलते हैं, बड़ा विचित्र सब तरीके की बातें बोलते हैं, खैर कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं हम लोग उसको, वैसे सब चीज़ होते रहती है। तो ये स्टॉक कहाँ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपने कितने पे लिया? 280 पे बाय किया सर, तो प्रॉफिट एक बार बुक करें, 280 पे बाय किया है, ये स्टॉक ने क्लोजिंग किया है 320 पे, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, स्टॉक को एक बार निकलने दीजिए सर, फिर से अगर नया पोजीशन बनाना होगा तो 330 के ऊपर बनाइएगा, उसके पहले बिल्कुल मत बनाइएगा, अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक कर लें आप।
सर किसी भी स्टॉक में अगर इंट्राडे में बायस 10 गुना है और सेलर 2 गुना, तो उसके हिसाब से भी स्टॉक बाय कर लें तो ठीक है या गलत? और सर आप ही हो जो यूट्यूब पे डेली लाइव ट्रेड करते हो और राइट टाइम इंट्री राइट टाइम एग्जिट 80% से 80% सभी ट्रेड प्रॉफिट। मुझे भी आपकी तरह बनना है। ब्रीज लाल साहब बोल रहे श्री गंगानगर से राजस्थान। सर आप मेरी तरह मत बनिए, आप अपनी तरह बनिए ना। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। आप पहले ये डिसाइड कीजिए आप इंट्राडे ट्रेड के लिए बने हैं या नहीं बने, आपके नेचर में वो शूट करता है या नहीं करता है, उसके बाद ही इंट्राडे ट्रेड करें। दूसरा, 10 गुना से बायर है और 10 गुना सेलर, 2 गुना सेलर है, तो सर ये अच्छी चीज़ें होती है कि बायर ज़्यादा है तो एक एंजेप्शन होता है कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं नज़र में। हाँ, आसपास हो एक जैसे 6 गुना 5 गुना का डिफरेंस चल रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 10 गुना 2 गुना का तो आप इसके हिसाब से फिर ट्रेड कर सकते हैं। और रही बात कि आपको मुझे जैसा बनना है सर, तो आप मेरा से रिक्वेस्ट है आप अपनी जैसा बने, किसी को कॉपी ना करें। सबसे पहले ये डिसाइड करिए आप इंट्राडे ट्रेड के लिए बने हैं या नहीं बने, आपके नेचर में ये शूट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो आप कृपया मुझे कॉपी ना करें, क्योंकि मुझे कॉपी करने के चक्कर में आप कहीं अपने आप को खो ना दें। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। हर एक की अपनी एक क्या कहते हैं उसको, छवि होती है। उस छवि को आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप वही काम करें। हाँ, किसी भाई साहब ने, क्या नाम है, विनोद सर ने राजस्थान से भेजा एक चार्ट और लिखा है ये यहाँ पर ब्रेकआउट होने पर स्टॉक गिरा क्यों नहीं। इस पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, इस पॉइंट को कह रहे हैं यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। एक्चुअली इनको ब्रेकडाउन लिखना था, गिरने का बात है, ब्रेकडाउन है, तो गिरा क्यों नहीं। नमस्ते सर, सवाल ये है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में ब्रेकआउट होने पर स्टॉक गिरा क्यों नहीं। सर पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे क्या ऐसा था जो ब्रेकडाउन होने पर गिरना चाहिए था स्टॉक, क्या था यहाँ पर, ऐसा कुछ आप बताएंगे, है ना। मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, आपने अगर कुछ दिखा हो तो आप मुझे कृपया व्हाट्सएप करें, मैं देखने की कोशिश करूंगा। किसी भी शेयर का पी रेशियो कैसे चेक किया जाता है और किसी शेयर के लिए सबसे अच्छा पी रेशियो कितना होना चाहिए, एनएससी की वेबसाइट पर कैसे चेक करें। प्रकाश शेखावत जी जोधपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं। प्रकाश जी, मैं ओम प्रकाश जी, मैंने पहले ही कहा कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैं उसको कबूल करने में बिल्कुल हिचकता नहीं हूँ। मैं आप बता दूँ कि आपने फंडामेंटल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, मेरा फील्ड टेक्निकल का है, मैं मैक्सिमम चीज़ें टेक्निकल पे काम करता हूँ, उसी के हिसाब से बताता हूँ। पी रेशियो को कैसे चेक किया जाता है इसको मैं एक्चुअली याद नहीं है मुझे, मैंने किया था एक्चुअली याद नहीं, चूंकि फंडामेंटल पे उतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ। दूसरी बात कि जहाँ तक मैं जानता हूँ जिस स्टॉक का पी रेशियो कम होता है वो स्टॉक ही अच्छा माना जाता है, ऐसा मुझे पता है। अब एनएससी की वेबसाइट पर कैसे चेक करें अभी मैंने इसका आइडिया नहीं लिया, चूंकि फंडामेंटल को मैं चेक ही नहीं करता तो पी रेशियो का मुझे उतना कोई आइडिया नहीं है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरा फील्ड टेक्निकल का है। आई एम इंट्राडे ट्रेडर, कैन आई बाय अपोलो टायर 8225 एंड हिंद यूनिलीवर 1713 फॉर इंट्राडे ऑन 1 अप्रैल? बिल्कुल नहीं सर, इस सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा। यहाँ इंट्राडे ट्रेड के लिए बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। वीडियो डिसलाइक करने के लिए आपका स्वागत है, आप स्वागत, आप वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं। ये इंट्राडे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इंट्राडे रिलेटेड के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डालता हूँ 3 स्टार का। सर मैं 3 दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया का 75 शेयर बाय किया था शॉर्ट टाइम के लिए, आपको इसमें टारगेट कितना दिखता है एंड एसएल बताइए। तो 3 दिन पहले आपने बैंक ऑफ इंडिया में के 75 शेयर बाय किया था, जीत साहब मैंगलोर से पूछ रहे हैं। 3 दिन पहले यानी सर थर्सडे या बुधवार को लिया होगा ना बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है, बैंक ऑफ इंडिया। 3 दिन पहले बाय किया था सर, किस प्राइस पे बाय किया था कुछ बताएंगे? सिर्फ 75 पे बाय किया था क्या? आपने 75 ही बोला ना शायद, कितना 75 शेयर बाय किया था, आपने प्राइस नहीं लिखा। तो 3 दिन पहले आप यहाँ पे मान के चलते 103 पे। सर अभी टारगेट क्या, टारगेट वही 110 रुपये का दिख रहा है फिलहाल, 110 का टारगेट है। लेकिन आप देख लीजिए अगर ये स्टॉक वापस नीचे निकल जाता है, अगर ये ट्रेड करने लगता है 100 रुपीज के नीचे, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बन जाएगी। अगला सवाल है, कैंडल में स्पाइक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको कितना कंसीडर करना पड़ता है ट्रेडिंग में। सौरभ जी मोतिहारी पूछ रहे हैं। सर स्पाइक बहुत इम्पोर्टेंट है सर, स्पाइक का हम लोग कुछ नहीं कर सकते और स्पाइक को कंसीडर करना ही पड़ता है। ये जो स्पाइक आता है ना, स्पाइक हिट करके ऊपर चला जाता है, इस पर हमारा आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसको कंसीडर करना ही पड़ता है, ये ही है जो हमारा स्टॉप लॉस हिट करके भी फिर स्टॉक ऊपर चला जाता है या फिर नीचे आ जाता है, लेकिन इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग का ये भी एक पार्ट है, तो इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं सौरभ जी।
आपको भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। डाबर के 411 रुपये पे इन्होंने शेयर खरीदा है, तो हम लोग सुजय सरकार से आपका कोलकाता से सवाल भी पूछ रहे हैं, तो चलिए डाबर को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों डाबर को इन्होंने खरीदा है सुजय जी ने 411 पे, तो चलिए हम लोग देखते हैं डाबर का चार्ट 411 पे। देखिए ये स्टॉक ब्रेक जब तक नहीं करेगा 415 रुपये को, तब तक हमारे लिए कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा सुजय जी। तो 415 के ऊपर एक बार स्टॉक को निकलने दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं ना। 415 का आप वेट कीजिए, 415 के ऊपर ये स्टॉक अगर निकलता है, हाँ अगर ये स्टॉक निकल जाता है 400 के नीचे, तो फिर मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से निकल जाइए। जामवन जी पूछ रहे हैं मुंबई से, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज फॉर 1 मंथ ड्यूरेशन, प्लीज सजेस्ट 2 स्टॉक्स। ओह गजब, जो नेक्स्ट 1 मंथ में मैक्सिमम रिटर्न दे सके, गजब। सर इनके पास 1 लाख रुपए है और दो ही स्टॉक चाह रहे हैं कि मुझे दो ही स्टॉक आप दीजिए और 1 मंथ में इनको मैक्सिमम रिटर्न है। सर ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा प्लीज, ठीक है, आप समझने की कोशिश करें कि 1 लाख रुपीज है और दो ही स्टॉक चाहिए और वो भी 1 मंथ में, वो भी तब जब इलेक्शन का टाइम है, बिल्कुल अनसर्टेन। ये बिल्कुल अभी तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको यही सलाह होगी, इलेक्शन तक रुक जाएं, रिजल्ट आने तक आप रुक जाएं, रिजल्ट के बाद जब मार्केट एक डायरेक्शन में रहे तो ही आप इन्वेस्ट करें। फिलहाल अभी आप उस पैसे को अपने बैंक में इन्वेस्ट करके रखिए, एफडी कर दीजिए, ठीक है सर। जामबंद साहब इलेक्शन को लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। आइडिया अभी बाय पोजिशन बनाना ठीक रहेगा, केनरा बैंक के 200 शेयर 265 पे और अभी 300 तक शेयर प्राइस आ गई थी, होल्ड रखे या निकालने का टाइम। सर प्रॉफिट बुक करिए ना, अगर 300 का प्राइस आ गया आप प्रॉफिट बुक कीजिए ना केनरा बैंक में, और आइडिया में भी बाय पोजीशन बनाना ठीक रहेगा। इशू आ रहा है इसका आइडिया का, ठीक है ना, आपको तो पता है इशू जारी हो रहा है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अपना उसका जो स्टॉप लॉस आ रहा है कम से कम 12 रुपये का आ रहा है, 12 से 13 रुपये का, तो आप उतना का स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाते हैं अगर आप आइडिया में रिया मैम, तो आप जरूर इसमें पोजीशन बनाइए। और दूसरा बात, आपने केनरा बैंक की बात कही, अच्छा आप ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा में कोई सेक्टर वगैरह भी होते हैं आप सेक्टर, एक्चुअली मैं नहीं पूछूंगा यहाँ पर कोई बात। तो 290 आपने कितना पे लिया, 265 पे, 265 पे आपने लिया है 200 शेयर, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अभी तो आप अच्छी खासी प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट एक बार बुक करें, यहाँ पे 35 रुपीज के आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं, आप 70% क्वांटिटी को यहाँ से निकाल दीजिए, बाकी का आप जो है स्टॉप लॉस लगाइए, टू ठीक उसी प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाइए जिस प्राइस पे आपने बाय पोजिशन बनाया हुआ है, बाकी 70% का क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सवाल पूछ रहे हैं रमेश जी, सर इफ स्टॉप लॉस हिट होता है तो वापस बाय करना है कि नहीं, बिकॉज बाद में स्टॉक ऊपर जाता है। ये सवाल अब मैं उल्टा आपसे पूछता हूँ सर, कि अगर आपका जो रिस्क है, जो आपका लॉस लेने का कैपेसिटी, अगर वो हिट हो चुका है एक ही ट्रेड में, तो फिर दोबारा आप क्यों ट्रेड करेंगे? अगर वो कैपेसिटी बचा हुआ है तो ही आप ट्रेड करें, वरना उस दिन ट्रेड बिल्कुल बंद कर दे रमेश साहब, क्योंकि आपका रिस्क से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। शहनवाज जी पूछ रहे हैं फायर्स वेब में वॉल्यूम प्रोफाइल है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है, फायर्स वेब में अभी बिल्कुल भी वॉल्यूम प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। रही बात, आपने दूसरा सवाल पूछा कि एवरेज प्राइस कहाँ से देख सकते हैं, सर एक इंडिकेटर को लगा लीजिए, उसका नाम है वी वेब, ठीक है, वी वेब को आप जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक प्राइस चलती रहती है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने वी वेब को प्लेस किया तो यहाँ 290.46 दिख रहा है, तो ये हुआ इसका एवरेज प्राइस, वी वेब ही उसका एवरेज प्राइस होता है। अगला सवाल है रीना इंदौर से पूछ रहे हैं, रीना जी 100 DMA की स्ट्रेटेजी पे क्या टारगेट होना चाहिए? टारगेट पहली कैंडल का जो होता है ना साइज होता है, या 3 बजे तक हम लोग वेट करते हैं। जेरोधा चार्ट में ऊपर एनालिसिस करते टाइम जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर टारगेट SL वो लोग आउट करके, लॉग आउट करके लॉग इन किया तो वैसे ही चार्ट पे रहता है, लेकिन फायर्स में लॉग आउट करके गायब हो जाता है ना, यही कहने का मतलब है कि कैसे इसको करना है। अमोल साहब का क्वेश्चन है, सिंपल है, मेरे सारे तो वैसे रहते हैं, आपको एक यहाँ पे मैंने पिछले बार भी बताया था, आपने पूछा था किसी और ने, कि आप जो भी करें पहले, अगर आप मान लेते ये फ्रेश चार्ट है, जो भी करें आप, करने के बाद यहाँ पर एक सेव लेआउट का ऑप्शन है ना, सेव लेआउट पहले पे क्लिक कर दें, उसके बाद जितनी चीज आप ड्रॉ करें ना, मान लेते ये ड्रॉ किया, इसको फिर सेव पर ऑप्शन कर दिया, यहाँ पर देखिए ये सेविंग हो रहा है, ये सिर्फ
सेव रहेगा। अब जब भी आप खोलेंगे खोलेंगे ये लाइन हमेशा आपके लिए वहाँ पे सेव रहेगा। आप बिना सेव किए निकल जाते हैं, यहाँ पे क्लिक किए, जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे इस पर ना, वो सेव नहीं लेगा। ठीक है अमोल सर। चलिए सतीश जी केरला से पूछ रहे हैं कि सर फायर वर्सेस जेरोधा का वीडियो देखा, बढ़िया वीडियो डाला आपने, थैंक यू। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनकर भी स्टॉक स्क्रीनर और इनोवेटिव ट्रेडिंग मेजर क्यों नहीं दे रहा है जेरोधा? तो सर जेरोधा क्यों नहीं दे रहा है ये तो जेरोधा वाला ही बताएगा, मैं क्या बता सकता हूँ। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा जेरोधा डीमैट अकाउंट फायर्स अकाउंट में ट्रांसफरेबल कर सकें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जेरोधा वाले से एक सीएमआर कॉपी आपको लेना होगा सर, पहले फायर्स में अकाउंट ओपन कराना होगा, फिर फायर्स में अकाउंट ओपन होने के बाद जेरोधा वाले को बोलना है कि आप मुझे सीएमआर कॉपी दें, मुझे अपने डीमैट अकाउंट उसमें ट्रांसफर करने, तो वो ट्रांसफर हो जाता है सर, लेकिन जेरोधा वाले से आपको सीएमआर कॉपी लेना पड़ेगा। विकास जी हिमाचल प्रदेश से पूछ रहे हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम डेली वीकली आवरली एक्सेट्रा पर चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं? सर कैसे करते हैं ये तो पूरी की पूरी मतलब आपने क्या कहा, एक तरह का क्लास ही क्लास के बारे में पूछ लिया, तो खैर इसका सवाल मैं अभी आपको इग्नोर करूंगा, इसके लिए सॉरी बोलूंगा विकास जी, क्योंकि ये बहुत डीपली बताना पड़ेगा और कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। सर जी क्या मैं आपके साथ बैठ कर ट्रेडिंग सीख सकता हूँ आपके शहर में? गुरदयाल सिंह आईआईटी रुड़की से पूछ रहे। गुरदयाल जी अभी मैंने वो सर्विस शुरू नहीं किया है कि आप मेरे साथ बैठ के सीख सकते हैं, मैं जो भी करता हूँ ऑनलाइन करता हूँ, मैं करूँगा अगर ऑफलाइन शहर वाइज सिटी वाइज तो मैं आपके शहर में भी आ जाऊँगा, वहाँ वहाँ आके मैं आपको सिखाऊंगा लोगों के साथ। मैं सोच रहा हूँ आगे आने वाले समय में मैं ऐसा करूँ कि मैं अलग अलग शहर में जाके अपने सेमिनार या जो भी होते हैं वो ऑर्गेनाइज करूँ। अगर ऐसा प्लान मैं बनाता हूँ तो मैं आपके पास भी आऊँगा सर, आपके शहर में वेट करें तब तक। टाटा स्टील का टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं। सर टारगेट स्टॉप लॉस पहले आप ये बताएं आपने लिया क्या है, कितने प्राइस पे, तब ऐसे हमें नहीं जवाब दे सकूंगा सॉरी। बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं, प्राइस बताइए। परमजीत सिंह साहब ये तरीका नहीं होता है पूछने का, ठीक है आप मुझे ये पता ही नहीं है आपने 200 पे खरीदा है कि 500 पे खरीदा है, तो मैं इसका क्या टारगेट बताऊंगा और क्या स्टॉप लॉस बताऊंगा, है ना? किसी प्राइस पे लिया होगा तभी तो उसका स्टॉप लॉस हो सकता है, तो प्राइस ही आपने नहीं लिखा है। हाउ टू इंटर इन ट्रेड वेन ऑलरेडी ओपन विद फर्स्ट टारगेट? अगर फर्स्ट टारगेट के पास स्टॉक ओपन हो जाता है तो सर आप इग्नोर कर दें काइंडली, सेफ तरीका यही है सर। इनका नाम कट गया था एक्चुअली। व्हाट इज योर व्यू ऑन रिलायंस कम्युनिकेशन फॉर 6 मंथ होल्डिंग? सर रिलायंस कम्युनिकेशन शिल्पी केबल आपने पूछा है, यहाँ पे सतीश जी बेंगलोर से पूछ रहे हैं शिल्पी केबल रिलायंस कम्युनिकेशन। सर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर फॉर्म और शिल्पी केबल से फिलहाल दूर रहिए, क्यों करना है सर इसमें? आपने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप बिल्कुल देख रहे हैं सर क्या हालत हो रही है। अब इसमें क्या आप पूछ रहे हैं कि टारगेट, मैं इसमें क्या टारगेट बताऊँ? ये टारगेट तो मुझे नीचे के नीचे दिख रहे हैं सारे चीज, यहाँ पर एक सपोर्ट है, अगर ये 3 रुपये को ब्रेक कर देगा तो फिर ये स्टॉक कहाँ जाएगा मैं भी नहीं जान सकता। दूसरा आपने शिल्पी केबल कहा, क्यों करते हैं सर ऐसे सब स्टॉक में आप लोग ट्रेड, कहाँ ये स्टॉक हाई प्राइस पे था इसका हिस्ट्री अगर मैं दिखाऊं तो, और कहाँ ये स्टॉक 1 रुपये पे आ गया? तो सर कोई आपने क्या पूछा है इसमें, सवाल भी तो आपका क्या है, टुडे ट्रेडिंग ईयरली लो प्राइस बट हाउ एबल टू डू वेल इन? सर आप समझिए इस पैसे को अभी आप इग्नोर करके चलिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा हुआ है तो कृपया कर आप यहाँ से निकल जाइए, लेकिन शिल्पी तो BZ ग्रुप में गया तो आप शायद यहाँ से निकल भी नहीं सकते अभी आप, तो वेट करिए सर एक रिवर्सल का वेट करिए आप, तब क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं अब आप फंस चुके हैं इसमें। आई कुड नॉट अर्न सिंगल डे। और दोस्तों फिर से रिमाइंड करा दूं, मैं यहाँ जो भी व्यू बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें प्राइस बता रहा हूँ, स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। इसमें ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। उल्लास माने साहब पुणे से पूछ रहे हैं, आई कुड नॉट अर्न सिंगल डे बट यू अर्न कंसिस्टेंटली, प्लीज गिव सम गाइडेंस और व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल नीड्स टू इम्प्रूव टू बिकम लाइक यू? उल्लास माने सर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही साइकोलॉजी, सारा चीज़ साइकोलॉजी का गेम है सब, जितनी आपकी मानसिकता मजबूत होगी, साइकोलॉजिकल जितना आपका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। स्ट्रेटेजी वगैरह उसके बाद की चीज़ें होती है, पहले आप आपका साइकोलॉजी बेस्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। MNM, अच्छा अनुराग साहब पिछले बार भी इन्होंने यही सवाल पूछा था, तो मैंने सर पिछले बार भी आपको जवाब दे दिया था, MNM को 735 पे आपने बाय किया है, तो मैंने कुछ बताया भी होगा MNM के बारे में, मैं इसे फिर से बता दूँ। MNM को 735 पे लिया है सर आपने जनवरी में, बिल्कुल जहाँ से डाउनफॉल था वहीं से आपने लिया है सर, फिलहाल बने रहिए, जब ले लिया है अभी फिलहाल तो बने रहिए सर, 640 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए MNM में।
आईओसी के व्यू इस सप्ताह के लिए ये पूछ रहे हैं जावेद साहब मुंबई से कि आईओसी का योर व्यू क्या होगा। सर आईओसी का व्यू, ये तो सारे क्रूड पे काम करते हैं तो देखता हूँ, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आईओसी का व्यू क्या हो सकता है। आईओसी के लिए तो सर एकदम रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है आईओसी। आईओसी के लिए अगर ब्रेक करता है 170 को ना, तभी हमारे लिए कुछ पॉजिटिव आएगा। अगर 170 को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर मुश्किल है, वो एक नीचे दिखा सकता है नीचे के लेवल। अगर ये वापस 160 को नीचे की तरफ ब्रेक, सॉरी 155 को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको ये वापस 150 के लेवल दिखाएगा आईओसी। सचिन कुलकर्णी साहब पूछ रहे हैं, अच्छा चलिए खत्म हो गया सवाल, यहीं से शुरू किया था सचिन कुलकर्णी साहब के सवालों से तो हम लोगों का सवाल खत्म हो गया। तो दोस्तों ये था आपके सवाल मेरे जवाब वाला सेक्शन में, आज आप लोगों के सवालों का जवाब। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और तैयार रहिए अगले शनिवार को फिर से अपने सवाल भेजने के लिए। सवाल भेजने का तरीका, सबसे पहले SAWWL सवाल लिखिए, और ये सिर्फ शनिवार को करना है, आज सुन के आज ही से शुरू नहीं हो जाना है, सिर्फ शनिवार को आप सवाल भेज सकते हैं, मैंने लिखा भी ओनली आस्क ऑन सैटरडे, ठीक है। तो सवाल सबसे पहले लिखिए SAWWL सवाल, उसके बाद अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए जो पूछना है, उसके बाद अपना नाम और शहर का नाम टाइप कीजिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, मैं उन सारे सवालों को जवाब रविवार को देता हूँ। सवाल आपको शनिवार को ही पूछना है सिर्फ। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।